गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इस क्लास के अंदर हम एक नया केस देखते हैं और ये केस जो है यह है गुडविल मेथड। गुडविल मेथड से आप किस तरह पहचानेंगे? गुडविल मेथड की लैंग्वेज ये है कि साहब ए इज़ ए न्यू पार्टनर इन्वेस्टिंग 30,000 फॉर 1/5 इंटरेस्ट। अब गुडविल कैसे पहचानेंगे आप? इस सेंटेंस से कि उसकी अमाउंट उतनी ही क्रिएट कर दें जितनी वो लाया। द क्रिएटेड इंटायर अमाउंट ऑफ इज इन्वेस्टमेंट, यानी नया पार्टनर जितना ला रहा है उतनी ही उसकी अमाउंट जो है ना वो आप क्रिएट कर दीजिए। तो इट्स मीन दैट के जो भी गुडविल होगी वो पुराने पार्टनर्स को चली जाएगी। तो इस अब हम क्या करते हैं कि हम इसको देखते हैं कि इसमें केस में देते हैं कि के एंड आर ये दो पुराने पार्टनर हैं, 60,000 40,000 जो है उनकी कैपिटल है और 3:2 जो है वो इनका रेशियो है। ए 30,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर 1/5 इंटरेस्ट, 1/5 इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में 1/5 इंटरेस्ट के लिए नया पार्टनर आ रहा है और 1/5 जो इसका रेशियो है वो मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब नए आने वाले पार्टनर का शेयरिंग रेशियो जितने के लिए वो आ रहा है, अगर वो मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए तो फिर वो ये 1/5 हर केस पर अप्लाई होगा, हर केस पे अप्लाई होगा। अगर बॉडी ऑफ द क्वेश्चन में दे दिया तो फिर हर केस पे ये 1/5 ही अप्लाई होगा। यानी हर केस में अंडरस्टूड बात हो जाएगी कि नया पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर इस लैंग्वेज से, इन वर्डिंग से हम पहचानेंगे कि ये गुडविल मेथड है और उसकी अमाउंट उतनी ही क्रिएट कर दें वो जितनी ला रहा है। तो इसका एक तरीका तो ये होगा जो इससे पहले भी मैंने आपको कराया था कि उसकी कैपिटल इतनी ही क्रिएट कर दें जितनी वो ला रहा है। यानी एक तरीका तो ये है कि फॉरन हम एंट्री पास कर दें कि साहब कैश डेबिट और कैपिटल ए क्रेडिट 30,000 से। फिर पुराने पार्टनर फर्म की गुडविल मालूम करते हैं नए को एडमिशन देने के बाद और फिर उसको आपस में बांट लेते हैं। तो एक तरीका ये है कि हम इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि ए इन्वेस्ट 30,000 फॉर 1/5 इंटरेस्ट, तो टोटल कैपिटल विल बी 30,000 इंटू 5/1, तो टोटल कैपिटल आ जाएगी 1,50,000। अब 150,000 में से अब हमें क्या निचोड़ निकालना है? गुडविल का एसेंस निकालना है। तो गुडविल का एसेंस निकालने के लिए टोटल कैपिटल में से पहले आप लैस की जो ऑल कैपिटल दैट इज़ 1,60,000 प्लस 40 बच जाएगा 50,000। फिर उसमें से आप माइनस कर देंगे न्यू इन्वेस्टमेंट, न्यू इन्वेस्टमेंट कितनी है 30,000, तो बच गया गुडविल। अब ये 20,000 गुडविल जो बच गई है, सवाल ये पैदा होता है किसको जा रही है भाई? एक जिससे हम एक अंदाज़ा करेंगे कि उसकी कैपिटल इतनी ही क्रिएट कर दें इतनी वो ला रहा है, तो जाहिर है मिस्टर ए 30 ला रहा है, 30 से ही आपने क्रिएट कर दी। तो एक तो हमें इस बातें ही पता लग गया कि जितना नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है उतने से ही उसकी कैपिटल को क्रिएट कर दीजिए। तो इसमें दैट की फ्री गुडविल किसको जाएगी? पुराने पार्टनर को। और एक और चीज़ से हम पता लगा सकते हैं कि ये गुडविल किसको जा रही है, वो हम कैसे निकालेंगे? वो हम ऐसे करेंगे कि 150 में एक हिस्सा निकाल लीजिए, 150,000 में अगर हम ए का हिस्सा निकालें 1/5 तो दैट इज़ 30,000। तो ये पिक्चर क्लियर हो गई कि साहब गुडविल जो है किसको जा रही है, गुडविल किसको जा रही है? ऑफ़ कोर्स गोइंग टू ओल्ड पार्टनर्स। उसके बाद फिर उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मिस्टर के इज़ गेटिंग 3/5 ऑफ 20,000 विच इज़ 12,000 एंड मिस्टर आर इज़ गेटिंग 2/5 ऑफ 20,000 दैट इज़ 8,000। तो फिर उसके बाद नाउ कमिंग इन टू जनरल एंट्री, जनरल एंट्री पे आ जाते हैं। कैश डेबिट कीजिए, मिस्टर ए जो लेकर आ रहा था, फर्म की गुडविल रिकॉर्ड कीजिए, गुडविल को डेबिट कीजिए 20,000 से। तो जब भी गुडविल फर्म की रिकॉर्ड होती है डेबिट की जाती है, और जब भी गुडविल एलिमिनेट की जाती है तो क्रेडिट की जाती है। जब भी आप गुडविल रिकॉर्ड करोगे गुडविल को आप डेबिट करेंगे और जिन जिन को मिल रही है उनकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन जब गुडविल को जब हम एलिमिनेट करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो फिर हम उन तमाम पार्टनर कैपिटल को डेबिट करते हैं जो उसको बेयर कर रहे हैं और फिर गुडविल को हम क्रेडिट कर देते हैं। यानी एलिमिनेशन जिनके हिस्से में आ रही है उनकी कैपिटल को डेबिट किया जाता है। उसके बाद कैपिटल के क्रेडिट होगी 12,000 से, बिकॉज ही इज़ गेटिंग 12,000 शेयर फ्रॉम गुडविल। और मिस्टर आर की क्रेडिट होगी 8,000 से, ही इज़ गेटिंग 8,000 शेयर फ्रॉम गुडविल विच इज़ आपने देखा यहाँ पर 8,000, और उसका कैपिटल ए जो है वो 30,000 से क्रेडिट होगी। तो इस तरह आपकी जो ये जनरल एंट्री है
ये 50,000 से इक्वल हो जाएगी, 50,000 से बराबर आएगी। तो जल एंट्री जो है इसकी डेबिट क्रेडिट साइड बराबर होनी चाहिए एज वेल बैलेंस शीट की तरह, कि बैलेंस शीट एक कंप्लीट बैलेंस शीट जो होती है उसकी डेबिट क्रेडिट साइड जो है वो बराबर आनी चाहिए। तो अब हम इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखेंगे हम अदर एसेट्स। अदर एसेट्स कितने होंगे? ऑफ कोर्स इक्वल टू ओल्ड कैपिटल। ओल्ड कैपिटल कितनी है? 1,00,000। तो अदर एसेट जो है वो 1,00,000 है। फिर कैश लिखेंगे, मिस्टर ए जो कैश लेकर आ रहा है कारोबार में, विच इज़ 30,000। उसके बाद गुडविल लिखी जाएगी। फर्म की गुडविल कितनी निकाली थी आपने यहाँ पे? 20,000 आपने यहाँ गुडविल निकाली है। फिर उसके बाद जमा कर लेंगे आप इसको, तो मान लें 50,000 के एसेट्स हैं टोटल कारोबार के अंदर। उसके बाद इक्विटी साइड भी 150 होनी चाहिए बिकॉज इट इज़ कम्प्लीट बैलेंस शीट। तो कैपिटल के जो है 72,000। क्यों? 60,000 पुरानी, 12,000 गुडविल का हिस्सा मिल गया, तो इसकी कैपिटल बढ़ के 72,000 हो जाएगी। फिर कैपिटल आर 48,000, 40,000 इसकी जो पुरानी कैपिटल है दैट इज़ कितनी है? 40,000। 8,000 जो है इनको गुडविल से मिला, तो 48,000 हो गई। और कैपिटल ए वही 30,000 जितनी वो लेकर आया था। तो अब आपकी बैलेंस शीट बन लाए 50,000 से बराबर हो गई। तो ये गुडविल मेथड है, और ये वो गुडविल मेथड है जिसमें गुडविल जो होती है वो पुराने पार्टनर को जा रही है, गुडविल पुराने पार्टनर को जा रही है। और इसका अंदाज़ा हमें किससे हुआ? इन वर्डिंग से हुआ कि उसकी कैपिटल उतनी ही क्रिएट करते हैं, तो क्रेडिटेड इंटायर अमाउंट ऑफ इज इन्वेस्टमेंट जितनी वो ला रहा है, यानी 30,000 ला रहा है, 30,000 से ही उसे कैपिटल क्रेडिट कर दें। जब 30,000 ला रहा है और उतनी ही कैपिटल उसकी बन रही है, तो इस मीन दैट के ही इज़ गेटिंग नथिंग। नए पार्टनर को कुछ नहीं मिल रहा, नए पार्टनर को गुडविल में से कुछ नहीं देना, नए पार्टनर को कोई फ़ायदा नहीं देना। ये पुराने पार्टनर सोच लेते हैं पहले से, फिर पुराने पार्टनर क्या करते हैं कि उतनी कैपिटल क्रेडिट कर दी, उतना उसको दे देंगे। उसके बाद फर्म की गुडविल निकालते हैं, गुडविल को फिर आपस में बांटते हैं, गुडविल को इंजॉय करते हैं। और फिर उससे फ़ायदा क्या होता है पुराने पार्टनर को? कि उनकी कैपिटल जो होती है वो बढ़ जाती है, उनकी कैपिटल में इजाफा हो जाता है। तो ये वो केस है जिसमें नए पार्टनर को कुछ नहीं मिल रहा और गुडविल जो है पुराने पार्टनर्स को जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। थैंक यू।